बाकी उनका ओवरलोड उससे कोई नहीं, ये भी आपने इसको टेस्ट कर लिया। ब्रेकर को टेस्ट करने का हम कोशिश करेंगे। ब्रेकर्स का एक हमारा जो है ना, ब्रेकर्स का अलहदा से है वो सेफ्टी, ब्रेकर्स फ्यूजेस का अलहदा सेशन है, उसमें कोशिश करेंगे हम, अगर कोई हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हुए तो ब्रेकर को टेस्ट कैसे करना है उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, रेफ्रिजरेटर कई दफ़ा जब आप उसकी बॉडी को हाथ लगाए ना तो बाहर भी उसका आया होता है, इनको इस्त्री से ज्यादा लगाया। ठीक है, लग बदा जाता है वो इस्त्री से लगे पंखे से, या कई दफा दीवार पे पानी में करंट आया होता है, कैसे दीवार में भी आया होता है, उसमें होता है दीवार में, दीवार में करंट क्यों आता है, दीवार में कई या पानी की टूटी खोली तो वो गीला होता है, टूटियों में आ जाता है, टूटियों में आ जाता है। कई दफा ऐसा अक्सर होता है कि आपकी जो लाइव वायर है ना, जो लाइव वायर है आपका, अगर ये जीआई पाइप है फॉर एग्जांपल, या कंडक्टिंग है पाइप कुछ जगह पे, इस तरह साल तौर पे आप कंड्यूट वायरिंग करेंगे ना, वायर करेंगे तो वायर हम कोशिश करते हैं फिर जीआई की हो, क्योंकि वायर पाइप हुआ तो हर दूसरे दिन टूटा होगा, मैकेनिकल सेफ्टी नहीं है ना उसकी, तो वो होगा। तो उसके साथ अगर आपकी लाइव वायर टच हो जाए तो अब वो लाइव वायर जहाँ जहाँ वो पाइप आ रहा होगा और जहाँ से दीवार गिल्ली हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इधर किचन था, किचन तो किचन में दीवार ही गिल्ली है तो आप हाथ लगाएंगे तो दीवार और बल्कि टूटी भी जो है आपकी उसको भी हाथ लगाएंगे तो वो दीवार गिल्ली थी, दीवार पानी हर वक्त रहता है वहाँ तो वहाँ उस करंट लगेगा। असल में आपका ये भी एक केस स्टडी जो जल की, तो असल में ये था कि वो आपकी वो पाइप के साथ लाइव वायर टच हो रही थी और दीवार के साथ, ये केस भी हो सकता है। या दूसरा ये होता है मोटर चलाते हैं तो करंट आना शुरू हो जाता है, तो मोटर चलाई तो मोटर की बॉडी जो है वो उसके साथ लाइव शार्ट थी या वो हो रही थी, पानी जब गया तो पानी से पाथ बन गया टैंकी तक, पानी पाथ बन गया ना, उससे करंट टैंकी में गया, तो आप जब जो भी करेगा वो अल्लाह के पास। सर एक बड़े बड़े खंभों से सर एक उसको सामने लाएंगे फिर जी, अर्थिंग की होती है। हाँ, अर्थिंग का भी बताता हूँ, चूँकि अर्थिंग जो है ये एक सेफ्टी है, उसके बाद दूसरी अर्थिंग है, दो सेफ। तो ये देखिए आप ये लगाया फॉर एग्जाम्पल, अब आपने अर्थिंग कर दी है, अर्थिंग की होगी तो जो बॉडी से करंट, ये देखें जो आपका जो बॉडी से गुजरना था, ये देखें जो बॉडी से गुजर रहा है शार्ट होने से, कहीं भी सूरत हाल बने अगर अर्थिंग की, तो अर्थिंग से ये होगा कि वो करंट आपकी बॉडी से गुजरने की बजाय, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बॉडी जो है आपने यहाँ से अर्थ किया हुआ था, ये अर्थिंग जो है अर्थिंग के तरीके बढ़ेंगे, तीन तरीके अर्थिंग के। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, एक दो तरीका ये है अर्थिंग का कि हम ये करते हैं कि हम जो है ना अर्थ वायर को न्यूट्रल से डायरेक्ट न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं, एक तरीका ये है। एक जगह हम ये करते हैं कि अर्थ जो है ना अर्थ वायर से हम जो भी बॉडी है या पंखे की बॉडी है या ट्यूबलाइट की है या कुछ मेन जो अप्लायंस वाटर पंप है उनकी बॉडी से अर्थ लेके, उसकी बॉडी के साथ हमने लगाया होता टाइट किया होता, उससे लेके हम क्या करते हैं जमीन अर्थ ग्राउंड में की होती है। और अर्थ करने का भी तरीका आसान सा है कि जिस तरह हमारे पास अर्थिंग के इस वक्त जो है वो एक अर्थिंग इसके बाद अर्थिंग का अर्थिंग की रेजिस्टेंस जो है वो आपकी 1 ओम या 0.5 ओम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो हम वो अर्थिंग रेजिस्टेंस का हमारा अलग से प्रैक्टिकल है इसमें, वो हम उस वक्त करेंगे। लेकिन अभी बता दूं कि अर्थिंग हमारी एक इधर है इसकी बैक साइड पर, अभी हम जाते हुए भी आपने याद करवाना है, ये पीछे हम दिखाऊंगा आपको अर्थिंग की हुई है। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट ने किसने की थी, 12 फुट गड़ा खोद गया ना, उसमें फिर हमने कोल डाले और फिर साल्ट, कोल साल्ट इसकी लेयर बना दें और वो अर्थिंग होगी, पाइप एक बीच में डाल दें ताकि थोड़े अर्से बाद पानी डालते रहें ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रहे। तो वो आपने अंदर एक स्ट्रिप लें, प्लेट प्लेट लें कापर की है, वो प्लेट ले के दरमियान में उसको एक पॉइंट पे कापर की वायर लें जो आपने अर्थ की है, वो उसको दरमियान में उसको वेल्ड कर दें या उसको सिक्योरिटी से टाइट कर दें दरमियान में एक ड्रिल करके, और वो जो प्लेट सी बनी आपकी ज़्यादा एरिया होगा तो डेफिनेटली ज़मीन के साथ उसका कंटेक्ट रहेगा, वो आप उस गड्ढे में डाल दें, उसमें साल्ट और वो डाला हुआ है आपने कोल, तो इस तरह साल्ट कोल से आप खुद भी घर में अर्थिंग करें लेकिन खुद कर लें। तो ये करके फिर आपने थोड़े अर्से बाद पानी डाले और उसकी रेजिस्टेंस चेक करते रहे, अगर 0.5-1 ओम से कम है तो इसको ओके। इस तरह हम अर्थिंग एक हमारी यहाँ हुई हुई है, एक मशीन लैब के सामने आप वहाँ जाएंगे ना अभी, तो वहाँ थोड़ा सा आपको रॉड सा नजर आएगा, छोटा सा पाइप है, ज़मीन भी नज़र नहीं आता होगा, तो हम जब अर्थिंग करेंगे वहाँ भी जाएंगे, उसकी भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसकी भी करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस मैंने सुना है ज़्यादा है, 15-16 ओम आ रही है, इसका भी लोगों को उसमें भी पानी डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले स्टूडेंट जब आएंगे उनकी रेजिस्टेंस चेक करूँगा, फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर ट्यूसडे वाले स्टूडेंट जब आएंगे उसकी वीडियो में आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी, तो एक आपको ना आए दूसरी भी देख लिया, उसमें फिर पानी अगले दिन देखेंगे कितनी है, उससे अगले दिन देखेंगे इस तरह। उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है वहाँ नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब उसकी बैक साइड पे, उसकी अर्थिंग जो है हमने उसकी बैक साइड पे बाहर बिल्डिंग के बाहर की हुई है, उधर भी जाएंगे हम। ठीक है, और चौथी वायरिंग जो है हमारी अर्थिंग जो की हुई है हाई वोल्टेज लैब, देखी आपने? यस सर। उसकी बाहर है साइड, उधर भी जाएंगे हम, जिस दिन अर्थिंग होगी 4 विजिट होगी हमारे। ठीक, उसमें हम उसकी
तीसरा तरीका यह कनेक्ट विद केबल वायर, केबल के अंदर भी एक आई थिंक हमने एक्स्ट्रा से दी होती है, इसलिए है उसका तो थ्री पिन शो होता है, तो जो दरमियान वाला ऊपर वाला होता है उसके साथ हमने तीसरी वायर के साथ कनेक्ट किया होता है, तो वो जो है वो असल में वो जो इस्त्री है या कोई भी अप्लायंस उसकी बॉडी के साथ टच हो रही होती है, और इधर जब हम अंदर सॉकेट में लगाते हैं तो सॉकेट के अंदर वो असल में अर्थ की जो ग्राउंड की होता है ना, अर्थ अर्थ वायर आ रही होती है जो कि इसके साथ कनेक्ट होती है। ये तरीका है आपका, ठीक। तो ये या फिर इसमें केबल जो है ना, कोई केबल हो तो केबल के ऊपर भी एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है उसके साथ हम कनेक्शन कर देते हैं अर्थ वायर का, तो ये भी उसका तरीका है, ठीक है। तो ये तीन तरीके अर्थिंग के हो गए। अच्छा, अब बात कहाँ शुरू थी हुई थी हमारी, क्या ब्रेकर से बात शुरू हुई थी? हाँ, वो बताया गया था आपको कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि जो करंट है वो आपका इधर से जो बॉडी से गुजरना था, बॉडी से गुजरेगा तो ये आरसीडी ट्रिप होगा। तो बॉडी से क्यों गुजरेगा? बॉडी से पहले आपकी अगर अर्थ वायरिंग की हुई है तो बॉडी ये जैसे ही ये शॉर्ट होगा बॉडी के साथ तो फौरन ये करंट जो है वो अर्थ वायरिंग के साथ टच होगी, तो अर्थ वायरिंग से वो ग्राउंड हो जाएगा। तो जैसे ग्राउंड होगा ये ट्रिप कर देगा, इसका मतलब ये जैसे ट्रिप करेगा आपको पता चलेगा समथिंग फॉरन, ठीक है। तो आपको भी करंट लगने से पहले वो अर्थ वायरिंग ऑपरेट जो है उसमें से करंट गुजर जाएगा और वो ऑपरेट हो जाएगा, तो आप वो ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब आरसीडी हम खुद घर में लगाते भी हैं क्योंकि चीज़ें हमारी सारी जो है वो इसी तरह होती है क्वालिटी के वाले से, तो वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट लीकेज हो ही रही होती है। पंप हमने कोई ऐसा लिया है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, बॉडी शॉर्ट है, तो हमें इससे तो नहीं लगे, हमें तो कास्ट से लगे, तो वो इसलिए लीकेज होती है। तो लेकिन इस लीकेज को अगर लॉन्ग टर्म में देखें, मतलब बड़े परस्पेक्टिव में देखें, एक घर में लीकेज, दो तीन चार पूरे पाकिस्तान में लीकेज, तो उसका अगर लॉसेज निकालें तो वो लॉसेज इतने ज़्यादा होंगे कि वो हम उसको, ये एक आस्पेक्ट है, इस तरह छोटे छोटे आस्पेक्ट देख के उसको नेशनल लेवल पे देखें तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो वो हम इस तरह देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा लीकेज। अब आरसीडी ब्रेकर के बाद हमारे आगे आ जाएंगे, ये देखें आरसीडी पे दोनों टू पोल है, दोनों लाइव न्यूट्रल आ रही है क्योंकि इसे सेंस करना है, दोनों चाहिए। इसके बाद जो न्यूट्रल है उसके लिए हमने अलहदा से एक पॉइंट बना दिया है, इस पॉइंट ये भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पार्ट्स बता रहा था एमसीबी, उसके बाद ये ब्रेकर आ गया, उसके बाद ये आपकी न्यूट्रल लिंक है। तो ये जो न्यूट्रल लिंक है असल में इसके अलहदा से हमने लिंक बना दिया है, इस लिंक से हम जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए हम वहाँ इससे निकाल के देते जाएंगे, ठीक हो गया। ये भी देख लेते हैं। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो जो लाइव है आपकी, वो लाइव जो है ना सारे ब्रेकर्स में हमने यहाँ से एक पॉइंट लगाया जिसको कहते हैं जंपर बार्स। तो जंपर बार जो आप लगा के ये तो इनको आपस में शॉर्ट कर दें, क्योंकि सारे जो है ब्रेकर्स का एक एक पॉइंट जो है वो लाइव में आ रहा है। अब दूसरे जो ब्रेकर्स हैं, अब हर ब्रेकर हमने अलग अलग कमरे के लिए रखा है ताकि जो है ना एक कमरा बंद हो तो सारी नन्ना हो जाए। तो अब एक ब्रेकर जो है ये वाला ब्रेकर इस कमरे के लिए, और दूसरा ब्रेकर जो है ये इस कमरे के लिए है, तीसरा ब्रेकर इस कमरे के लिए है, चौथा ब्रेकर जो है ये किचन और ये वाशरूम या इस तरह इस लैटरिन के लिए है, और आखिरी ब्रेकर हमने यूपीएस के लिए रखा हुआ है, ठीक। तो ये सारे ये पूरी इसके ब्रेकर जितने चाहिए आपको, जितने कमरे हैं उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लें। तो इसमें वायरिंग कौन सी लगाएंगे वो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, केबल का साइज़ क्या होगा, ब्रेकर से कमरे तक कितना होगा, एक कमरे के लोड के हिसाब से होगा, फिर एक कमरे के स्विच बोर्ड से आगे उसके बल्ब तक या लाइट तक या फैन तक ये वायर कौन सी होगी, उसका अपना साइज़ होगा 1 mm, जिस तरह 1.5 mm है, इस तरह इससे पीछे है तो ये पूरा लोड है तो ये वाली वायर जो है उससे बड़ी होगी 4 mm, और इसी तरह जो है इसके पीछे जो है एनर्जी मीटर तक 4 या 6 mm, वो आप उसमें डिसाइड करेंगे। और उसका तरीका मैंने बता दिया था कि करंट से या पावर की बेस पे भी आप केबल की सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका चार्ज मिल जाता है, या करंट निकाल लें उसकी बेस पे भी। तो करंट भी आपको बता दिया था लास्ट टाइम हमने फार्मूला 3 लिखे थे कि करंट जो है वो क्या होता है, VA cos theta, सिंगल फेज है, 3 फेज है, √3 और फिर इस तरह √3 VA cos theta पावर होती है, और DC या PS VI होता है, पावर कट नहीं होता। तो ये आपने उससे आप करंट निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, दोनों से आप केबल का साइड सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप इन ब्रेकर्स का जिस तरह इस ब्रेकर की बात की तो इसके साइजेस फॉर एग्जांपल ये देखें, 1 square mm है तो वैसे नॉर्मली 6 ampere का ब्रेकर है इस तरह, ये एक चार्ट इस तरह का बना लें। प्रॉपर तरीका ये है कि 1 square mm की सिलेक्शन हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन में की कि उसका करंट या पावर की बेस पे उसको सिलेक्शन करते हैं प्रॉपर कितना लोड है, उसके बाद फिर हमने ये MCB का जो करंट है ये 1 square mm 6 ampere है, 1.5 mm ये है, ये 6 mm² की केबल है, तो आपकी 40 ampere का MCB है, इस तरह फास्ट में ये इस तरह ये एक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इसका जो करंट का MCB के करंट रेटिंग निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए देखें तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला PS = VI cos theta फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लोड है 4 kW का,
अब 4 किलो वाट लोड फॉर एग्जाम्पल इस सॉकेट में हमने 4 किलो वाट लोड करना है, इस सॉकेट को हमने लहजा से एक ब्रेकर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब उस ब्रेकर पे वो ब्रेकर कितने साइज का होगा, उसका साइज क्या होगा, वो निकालने के लिए देखें वी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा 0.8 हो गया, 4 किलो वाट है तो 4 × 1000, तो यहाँ से करंट निकालना है तो करंट के लिए पी ओवर वी कॉस थीटा आ जाएगा, तो करंट आ गया आई सी। ये करंट आएगा सर्किट लोड करंट, इसको कहते हैं आई सी, सर्किट लोड करंट यानी असल करंट जो है सर्किट लोड। उस करंट को कैसे निकालेंगे, उसी फार्मूले से पी 4 किलोवाट 4 × 4000 आ गया डिवाइड बाय 230 अगर वोल्टेज है और पावर फैक्टर 0.8 है तो ये 21.79 एम्पीयर आ गया करंट। ये करंट है अगर हमारा आईसी। अब जो हमने करंट निकालना है ना, ब्रेकर कौन सा लगाना है, तो ब्रेकर इतने एम्पीयर का नहीं अवेलेबल होगा, इससे जो भी अवेलेबल है ऊपर फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर अवेलेबल है 32 एम्पीयर का, तो अब 32 एम्पीयर असल में उसका आई एन प्रोटेक्टिव डिवाइस करंट होगा, यानी ब्रेकर का करंट है। तो ये हम इससे ये वाला करंट, इससे जितने भी एम्पीयर का करंट है 32 एम्पीयर का करंट, ये आई एन हो गया। इसी तरह जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी सर्किट की, करंट कैरिंग कैपेसिटी उसका निकालने का तरीका क्या है, यही जो आई एन आया है इसको आप 1.15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतनी कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए करंट की कैपेसिटी उसमें। इसका मतलब इसकी बेस पे आप केबल की जो सिलेक्शन है जो इसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी वो ब्रेकर की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो, ये ना कि ब्रेकर की कैपेसिटी 32 एम्पीयर है और उस सर्किट की करंट कैरिंग कैपेसिटी 25 एम्पीयर है, तो वो ब्रेकर ने तो 32 के बाद होना है तो वो 25 पे जो है ना वो वैसे ही चल जाएगी, तो ब्रेकर का ही काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आईडी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या निकालेंगे, उसको ये 1.15 ब्रेकर की कैपेसिटी है उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे 1.15 से, तो ये आ जाएगा आपका 36.8 एम्पीयर। ये तरीका, या दूसरा तरीका ये है कि आप आईडी को निकालने का तरीका ये कि आईएन को डिवाइड कर दें ग्रुपिंग फैक्टर से। ये ग्रुपिंग फैक्टर जो है वो क्या होगा, ग्रुपिंग फैक्टर जो है ये आपका ये 1 भी होता है 0.87, डिफरेंट कंट्रीज में ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम रखते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं उसकी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं, तो 1 है 0.87 और 0.82 है, तो फॉर एग्जांपल 0.82 इससे डिवाइड करें तो ये करंट आ गया 37.64, तो ये इस तरीके से आ जाए, ये भी इसके करीब करीब ही है 36। इस तरह निकाल लिया आपने मल्टीप्लाई करके या इस तरह निकाल लें ग्रुपिंग फैक्टर से, तो ये इस तरीके से आप निकाल के तो आपको ये करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। तो ब्रेकर का साइज आपने 32 एम्पीयर इसके लिए सेलेक्ट कर लिया 4 किलोवाट लोड के लिए। इसका शॉर्टकट भी है, फॉर एग्जाम्पल देखें 4 किलोवाट का लोड है तो इसको 4 डिजिट बात करें, 4 डिजिट है उसको मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, अच्छा 4 किलोवाट है 4 × 6 टाइम्स लें तो इतने 24 एम्पीयर का आपको ब्रेकर चाहिए, 24 एम्पीयर असल में इसका आई सी होगा, तो 24 एम्पीयर देखें तो ये 21 बनता है शॉर्ट इसमें, तो ये वो 24 है, 24 से ऊपर भी 32 का यूज होगा, तो 32 एम्पीयर का वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये कहने फॉर एग्जाम्पल नहीं है इस तरह याद, तो फिर शॉर्टकट रख ले, हमने 10 किलोवाट का लोड है फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड लगाना है, कोई वो बड़ी मशीन लगानी है, कोई आटा चक्की की मशीन है या वैसे कोई और बड़ी वेल्डिंग पूरा प्लांट है या इस तरह, तो उसमें आप क्या करेंगे 10 किलोवाट का लोड है फॉर एग्जाम्पल, उसको मल्टीप्लाई 60 एम्पीयर, 60 एम्पीयर से ऊपर कौन सा ब्रेकर है फॉर एग्जाम्पल 63 एम्पीयर का अवेलेबल है, तो 63 एम्पीयर का क्यों करते हैं 6 के साथ समझ जाएगा, और ये शॉर्टकट बताया वैसे जरूरी नहीं है, असल तरीका यही है, शॉर्टकट से कोई आ रहा है लेकिन 24 है ना, 21 आया 22 आया 24 करीब ही आ गया ना, खुद फार्मूला बना लिया थंब रूल इसको कहते हैं, तो आप इस तरह कुछ इलेक्ट्रिशियन को थंब रूल बनाए होते हैं, वो थंब रूल बताया। अच्छा ये आ गया आपके ब्रेकर्स, अब ब्रेकर्स की जो लाइफ आयल है ये देखिए, एक ब्रेकर ले लेते हैं इस कमरे का, तो इस कमरे का देखें तो आप देखें तो ये ब्रेकर की लाइफ आयल यहाँ से आई, ये एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के एक पॉइंट पर हमने लाइफ आयल ले ली और दूसरा पॉइंट हमने बल्ब के साथ लगा दिया ऐसे ही ना। अच्छा ये बल्ब स्विच जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब का जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारा इधर स्विच बोर्ड में इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, यहाँ स्विच में ज़रूरत नहीं थी, तो न्यूट्रल हमने बाहर से यहाँ से पॉइंट लिया और इस बल्ब को न्यूट्रल यहाँ से दी, और यहाँ से ऑन करेंगे लाइट तो यहाँ से ऑन होगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। अच्छा इसी तरह दूसरा पॉइंट है जो कि सॉकेट को दिया हुआ है, तो ये स्विच है हमने कुछ स्विच बोर्ड जो होते हैं उसके ऊपर लगाई होती है, ये आपने डिफरेंस देख लें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसके अंदर ब्रेकर और ये सारी चीज़ें शुरू में लगी होती हैं, एनर्जी मीटर के बाद आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, उसके बाद जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड कौन से हैं कमरों में लगे हुए हैं या वहाँ देखें तो उसके नीचे वो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर सारे पंखों के लाइट्स के स्विच हैं, तो ये पूरा स्विच बोर्ड होता है, कमरों में होंगे तो वो भी स्विच बोर्ड ही होंगे। ठीक है, और इसी तरह तीसरा जो है उसको कहते हैं हम पावर बोर्ड या पावर सॉकेट, तो ये नीचे लगी होती है या ऊपर एसी के लिए लगी होती है, तो ये पावर सॉकेट या पावर बोर्ड इनको कह देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट आती है
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, यानी इनके लिए अलग से ब्रेकर लगाए होते हैं। और जो स्विच बोर्ड है, नॉर्मली स्विच बोर्ड जो है वो हम जो है वो इधर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहे होते हैं, ठीक। तो ये आ गए। अब देखिए इस स्विच बोर्ड में कितने लोड लगे हुए हैं, लेकिन अगर पावर सॉकेट यहाँ से होती ए सी वाली तो वो लहदा से पावर सॉकेट जो है ना आपको उसकी सप्लाई इधर से ब्रेकर से दे रहे होते हैं, ठीक है ये। अच्छा अब देखिए यहाँ से आपने देखा कि ये सॉकेट है जिसमें मोबाइल चार्ज करते हैं, या स्विच बोर्ड के ऊपर जो है वो ये बनी होती है एक सॉकेट। तो अगर ये सॉकेट है थ्री पिन है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि इसमें ये स्विच है, स्विच को आपने लाइव वायर दे दी, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है सादा, तो ये लाइव वायर इधर आई, दूसरा पॉइंट इसका आपने सॉकेट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आपने यहाँ से ये न्यूट्रल आ रही है, न्यूट्रल हमने दे दी, वरना स्विच बोर्ड में न्यूट्रल की जरूरत नहीं थी अगर सॉकेट ना होती, सॉकेट है सॉकेट के लिए लानी पड़ी है, ठीक। अगर थ्री पिन है तो इसका ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको अर्थिंग की को शो कर रही है, तो ये हमने कही ये आखिर में वायर की अर्थिंग की हुई है जो आपको दिखाई है, तो अर्थिंग से ये कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट, ठीक ये हो गई। अच्छा ये आप इसके बाद देखें, ये तो होगी आपकी लाइव वायर के साथ कनेक्शन कर दी। अब ये जो वायर है हमने ये किया, हमारा प्लान ये था कि हम ये करेंगे ये एक पंखा और एक लाइट, ये वाला पंखा और ये लाइट यूपीएस पे करें, और ये वाला बल्ब जो है दूसरा ये वापडा पे हो, यानी यूटिलिटी कंपनी पे हो डायरेक्ट। इसी तरह ये दो पंखा और लाइट जो है इस पे है यूपीएस पे हो रही। तो आप देख लें यूपीएस की हमने क्या किया है कि यूपीएस के लिए यूपीएस की एक वायर होती है, एक तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव होता है बैटरी के लिए, तो बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को, बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव को दे देंगे, एक तो ये होगी ये यूपीएस है और ये बैटरी है। अच्छा इसके बाद यूपीएस में एक तो इसको चार्ज करने के लिए यूपीएस से वापडा आएगी, तो वापडा को हमने यहाँ से एक सॉकेट ले ली है उस पर हम लगाते हैं, इसको यूपीएस को लगाया होता है। और ये सॉकेट देखें तो ये सॉकेट को सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये देखें ये वाला ब्रेकर जो है ब्रेकर हमने इधर ये किचन की लाइट और वॉशरूम की लाइट और ये सारी जो ये वाली लॉन्च की ये लाइट ये वापडा पे की हुई है, ये वॉशरूम की लाइट उसमें की यूपीएस पे कर दी है, और ये जो है किचन या लॉन्च जो है इसकी लाइट हमने ये उस पर की हुई है वापडा पे की हुई। अब ये देखिए ये ब्रेकर आ रहा है, ये ब्रेकर जो है इसमें से ये स्विच से गुजर के इस लाइट को भी ऑन कर रहा है और इस सॉकेट को भी ऑन कर रहा है, ये सॉकेट इस सॉकेट पे हमने यूपीएस लगा दी है। तो अब जैसे ही लाइट आएगी वापडा आई है, बिजली आई है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, तो ये यहाँ से होती हुई इस ब्रेकर से होती हुई इस ब्रेकर से और ये इसमें चली जाएगी, और ये सॉकेट आया तो यूपीएस ऑन हो जाएगा। यूपीएस से ऑन होगा तो यहाँ से यूपीएस क्या करेगा, यहाँ से अंदर से इंटरनल ये स्विचिंग करके ये इसको डायरेक्ट कर देगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगी इस ब्रेकर में सप्लाई, इस ब्रेकर से ये वही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिस पे लगा हुआ है, इस ब्रेकर से फिर एक वायर गई है, यहाँ से एक वायर गई और यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ से एक स्विच में लगी है तो ये बल्ब ऑन हो गए, और दूसरा हमने फैन का स्विच और उसके बाद उसका टिम्बर और ये फैन को लगा दिया, तो ये दोनों यूपीएस पे ऑन हो गए, यूपीएस ऑन यानी बैटरी पे भी चलेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल वापडा चली गई है, या फॉर एग्जाम्पल आपको इसको चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका घर में आपने चेक करना है फॉर एग्जाम्पल के यूपीएस यूपीएस पे लोड कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक केस स्टडी ऐसी है कि आपने इस ब्रेकर पे मोटर लगाई हुई है पानी की, तो मेन ब्रेकर ऑफ कर दिया, हाँ तो आपने एक फॉर एग्जाम्पल आपने ना आपको नहीं पता कि मेरे जो मेरी मोटर पानी की मोटर है वो यूपीएस पे है या वापडा पे, इसका क्या करेंगे आप, ये करेंगे यूपीएस की जो सप्लाई है ना उसको बंद कर दें, कैसे होगी यूपीएस की सप्लाई देखते हैं इस पॉइंट पे है और ये पॉइंट देखे तो यहाँ से इस ब्रेकर पे है, इस ब्रेकर को ऑफ कर दो, या ये इस ब्रेकर का भी नहीं पता चल रहा तो फिर आप मेन ब्रेकर को ऑफ कर दो, मेन से पता चल, तो मेन ब्रेकर ऑफ करें तो ऑफ करेंगे तो आपका यूपीएस पे जो पॉइंट होंगे वो सारे जिस तरह लाइट ऑन होती है मोटर के पानी की लाइट अगर ऑन होती है जिस तरह ये ऑन हो रही है पीछे से ब्रेकर चेक करेंगे तो आपको पता चल सकता है, या उसकी वोल्टेज चेक करें मल्टीमीटर से, जस्ट वोल्टेज चेक करें वोल्टेज आ रही है, क्योंकि मोटर चलाएंगे मोटर चला के चेक करेंगे तो यूपीएस पे तो ये ट्रिप होगा, अगर तो ऑटोमेटिक है नहीं है तो फिर फर्क होगा, दूसरा तरीका यह है कि आप जस्ट वोल्टेज मोटर जहाँ लगाइए वहाँ वोल्टमीटर लगाएं और इस पीछे मेन ब्रेकर ऑफ करें और देखें कि कौन कौन से, इसका आसान तरीका ये भी है कि अब आप पता ही नहीं है कि मेरे कुछ पॉइंट्स ये भी प्रॉब्लम होता है, मिसाल सॉकेट है लगी हुई आप उसमें इसी चला रहे थे पता चला वो यूपीएस पे नहीं, आपने किराए पर कर लिया, वो नया घर है आपको पता ही नहीं है यूपीएस की वायरिंग हुई है यूपीएस आपने लगा लिया, अब आपको नहीं पता कौन कौन से पॉइंट है, अब आपने मार्क करने हैं कि ये पॉइंट मेरा यूपीएस पे है उस पर लिख ले रहे हैं और ये नहीं है, या उस पर टेप लगानी है ताकि बच्चे भी ना उसको लगा सकें क्योंकि ये यूपीएस पे है इस पर इस्त्री लगती है उसको पक्का हुआ बंद कर, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे कि आप मीटर ले लें मल्टीमीटर और मेन सप्लाई ऑफ करें, ब्रेक ये यूपीएस बैटरी भी चल रही है और यूपीएस ऑन है,
मेन ब्रेकर ऑफ करने के बाद आप जितने भी पॉइंट्स हैं कार में सॉकेट्स नॉर्मल सॉकेट्स हैं उनकी वोल्टेज चेक करें। अगर तो वोल्टेज वहाँ आ रही है तो यूपीएस, तो वो यूपीएस पे उसको लिख दें, जो नहीं आ रही वो आपकी यूपीएस पे नहीं होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका काउंटर चेक तीसरा भी कर सकते हैं आपके मिसाल तो यूपीएस पे चेक करने के बाद फिर आप इसका यूपीएस का ब्रेकर ऑफ कर दें अगर ये पता है, या यूपीएस का जो कनेक्शन इधर जा रहा है ना ये केबल इधर से भी उधर जाती है, इधर से उतार दें जो यूपीएस की, ये उतारने के बाद अब आप उसको सप्लाई को ऑन करें, ऑन करके अब भी सारी सॉकेट चेक करें, ये वापरा पे जो होगी वो आपको काउंटर चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने यूपीएस कहाँ से बात चली थी हमारी कि यूपीएस पे वायरिंग की और ये आपने ये इमारत लगा दी, ये पंखा हो रही, इसी तरह आप यूपीएस में देखें तो ये पॉइंट इधर भी जा रहा है और इसमें कोई प्रैक्टिस हुई है, ये बल्ब और ये फैन हो गए, इन बल्ब और फैन के चाहे वो यूपीएस पे है या वापटा पे है, इनके जो न्यूट्रल है वो हमने लेदर से दी है, देखिए ये न्यूट्रल यहाँ आई है, इसकी भी न्यूट्रल यहाँ से हमने दे दी है, इसी तरह जो है वो इसकी न्यूट्रल यह देखें, ये भी यहाँ से आ रही है, ये देखें ये इधर दी है। ठीक है, इस तरह इनके पॉइंट्स ये बल्ब जो है इनकी न्यूट्रल भी यहाँ से हमने ये देखें यहाँ से दी है, ये इधर इसी पॉइंट से दी हुई है न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल जा रही है, इधर से इस सॉकेट पर न्यूट्रल दी है, ये सारी न्यूट्रल यहाँ तक आई है, इन सॉकेट्स पर भी आई है। ठीक, ये सारी न्यूट्रल हमने इस पॉइंट से दी है जिसको हम कह रहे थे न्यूट्रल लिंक। इसी तरह अर्थ लिंक भी है जो मैंने बताया, जिस तरह को अर्थ लिंक भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डाला होगा वहाँ अर्थिंग होगी, उस पॉइंट पर हम ये सारा अर्थिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ अर्थिंग चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें यूपीएस पे हो गया जनाब, ये भी हो गया आपको समझ आ गया, इसके बाद यूपीएस पे हमने यहाँ से यूपीएस की वायरिंग डाई वायर आ रही है और ये बल्ब हमने यूपीएस पे किया हुआ है, और यहाँ से देखें तो ये वाला जो वाशरूम का बल्ब है ये भी यूपीएस पे। अच्छा, ये हो गया, ये जो बल्ब है दूसरा और ये सॉकेट ये हमने वापटा पे की हुई है, इसके लिए लेदर से हमने ब्रेक लिया है और उस पर हमने फॉर एग्जाम्पल ये सॉकेट हमने डेडिकेटर रखी हुई है पानी के चलाने के लिए मोटर या फिर बिस्तरी चलाने के लिए, इसके लिए ये सॉकेट लेदर से रखी है, उसका लेदर से ब्रेक लगती है, वरना बाकी नोट्स पे अगर कहीं इधर लगाएंगे या उस ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ब्रेकर के इधर ट्रिप हो जाता है, इधर लगाएंगे। दूसरा ये है कि वायर भी आपकी इस पर ज़्यादा लोड नहीं लगा सकते, ये मोबाइल चार्जिंग है, इस तरह आपने देखना। एक चीज़ और भी है, जिस तरह फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है ना स्विच बोर्ड पर फ्यूज़ होता है जो हमारी प्रैक्टिस नहीं है, एक फ्यूज़ इधर भी लगाया, यानी मेन सप्लाई जब आया यहाँ से तो सबसे पहले एक छोटा इधर फ्यूज़ लगाओ, फ्यूज से गुजर के बाकियों में वायरिंग जाए, तो फ्यूज जो है वो बीच में जिस तरह यहाँ है इधर भी हर स्विच में फ्यूज होता है, तो ये फ्यूज भी प्रैक्टिस जो है वो इसको भी शामिल करना है बीच में। अच्छा, आप देखें इसके बाद क्या है, ये हमारे जो आपको पता चल गया कि जो हमारे यूपीएस पे वायरिंग वो पता चल गई सर, जी जो यूपीएस से वायर लगेंगे जो वापडा से लाइव वायर आएंगे उसी के साथ फिर यूपीएस की लगाएंगे, किस तरह सर? जो वापडा से लाइव वायर आएंगे स्विच में, ठीक है, तो जो यूपीएस से वायर लेके जाएंगे, हमने मिसाल तौर पर उस बल्ब को जो वापडा पे भी चलते हैं यूपीएस पे भी चलाना है उसको, तो उसी तरह वापडा और यूपीएस की लाइव वायर सेम होगी। ये देखिए ना, ये जो यूपीएस पे किया है पंखा, जब वापडा आती है तो ये यूपीएस ही असल में आप क्या करता है, जो वापडा जब आ जाएगी तो यूपीएस बैटरी से यूपीएस बैटरी को चार्ज करना शुरू, ये यूपीएस का काम ही है ना चार्ज कंट्रोलर है, जब वापडा को सेंस करता है तो अंदर कंट्रोल लगा हुआ है, तो ये जैसे ही वापडा आएगी तो ये फिर एक तो बैटरी को चार्ज करेगा और दूसरा ये जो है बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा, इसको चार्जिंग में लगा देगा डिस्चार्जिंग की बजाय, और यहाँ से जो इसके अंदर इन्वर्टर होता है और इधर से डायरेक्ट सप्लाई कर देगा, अंदर से स्विचिंग होगी ऑटो, तो वो जो वापडा की सप्लाई आ रही होगी उसी को ये यूपीएस के अंदर से जो है ना बाईपास करके ये वापडा, ये दोनों वापडा पे हो गए ना जो यूपीएस पे थे, अब जब वापडा चली जाएगी यहाँ से वापडा ऑफ होगी, जब वापडा ऑफ होगी ये वापडा देखें यहाँ से आ रही है इस ब्रेकर से, ये वापडा ऑफ हुई, ये लगा हुआ है, ये वापडा ऑफ हुई यहाँ से, ये इसने क्या किया अंदर सेंस किया, इन्वर्टर लगा हुआ और कंट्रोलर पूरा जो है अंदर, उसने सेंस किया तो ये क्या किया फौरन जो है इसको डिस्चार्जिंग, इसको डिस्चार्जिंग मोड पे चली गई मोड, अब बैटरी से जो है वो बैटरी चार्ज हो चुकी है, बैटरी से जो सप्लाई है ना अब ये यूपीएस पे, दोनों तो ये जो दोनों है ये वापडा में भी चल रहे हैं और यूपीएस पे भी, लेकिन ये सिर्फ वापडा में चल रहा है यूपीएस पे नहीं चल रहा। ठीक, अब आपका क्या क्वेश्चन किया? ठीक है, समझ आ गई, मैं ये पूछ रहा था ना कि जो लाइव वायर थी ना वो हमने उधर नहीं कनेक्ट करनी है, वो यूपीएस से डायरेक्ट इधर से यूपीएस पे जा रही है, यूपीएस से जा रही है, यूपीएस की ज़्यादा वायरिंग इसलिए आप देखें तो घर के अंदर यूपीएस एक वायर लाइव वाली छोटी सी वायर इलेक्ट्रिशियन ने वो पूरे घर में घुमाई होती है सिर्फ, तो वो लाइव वायर यही है जो आपको नजर आ रही है। ठीक, न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट ही हम सबको दे देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा मेरे ख्याल से वायरिंग की आप सब, इसी तरह एक सिंपल भी लगाई हुई है जिस तरह इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से जो एनर्जी मीटर में केबल आती है उसका नाम होता है सर्विस केबल कहते हैं या सर्विस मेंस भी कह देते हैं, इस
से जो है मीटर से आपकी एमसीबी में आई, एमसीबी के बाद ये देखिए ये फ्यूज लगाया हुआ है, यहाँ देखिए इधर फ्यूज नहीं था, ये फ्यूज की प्रैक्टिस भी बीच में, ये फ्यूज लगाया पहले हर स्विच बोर्ड पे, और फ्यूज के बाद देखें कि आपके सारे स्विचेस में सारी लाइव आई, जिस तरह ये स्विच बोर्ड की प्रैक्टिस अभी करेंगे आप, उसमें यही था ये शार्ट हुई थी एक पॉइंट, ये शार्ट हुआ था, और जब जो इस स्विच पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बल ऑन कर दिया, इस स्विच पे मैंने ये बल ऑन कर दिया है, और इस फैन पे ये देखें ये वाला डिमर है और इसका ये स्विच है, इस पे मैंने ये फैन ऑन कर दिया, और इसकी ये न्यूट्रल का लिंक बना दिया है, ये जो है ये गलत बनाया है, ये ऐसी ना ये न्यूट्रल जो है आपकी यहाँ से आ रही है न्यूट्रल, और इसका मतलब यहाँ ये सूर्त्याल पानी थे इसी को समझ लेते हैं, इसमें इस सॉकेट का स्विच कोई नहीं रखा, कहने का मतलब ये इस सॉकेट को डायरेक्टली चलाया हुआ, हालांकि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये लाइव वायर इसमें जा रही है और न्यूट्रल जो है यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये सॉकेट है कोई, तो ये सॉकेट डायरेक्ट चल रही है, स्विच तो नहीं हो सकता, स्विच करेगा ये शार्ट हो जाएगी, तो ये सॉकेट है, तो ये सॉकेट होगी और सॉकेट बगैर स्विच की जा रही है, इसी प्रैक्टिस नहीं यहाँ देखें, तो ये सॉकेट जो है इस वक्त इसके साथ स्विच है, ये देखिए सॉकेट है, सॉकेट का एक पॉइंट न्यूट्रल है, दूसरा पॉइंट स्विच के थ्रू जो है वो जा रहा है, इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये सॉकेट ऑफ होगा, यही प्रैक्टिस, इधर भी एक स्विच चाहिए था इस सॉकेट के लिए जो कि नहीं लगा है, इस सॉकेट के लिए भी इस सॉकेट की तरह, इस सॉकेट के लिए ये इस तरह का स्विच चाहिए था जो नहीं लगा हुआ, ठीक है, मिस कर दिया फ्यूज में आया और स्विच मिस कर दिया, ठीक है, ये प्रैक्टिस थी, समझ आई, तो ये आपने ऑन कर दी। अब आप देखें कि अच्छा इसमें एक चीज़ और, जिस तरह मैंने एमसीबी बताया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ये आरसीडी या आरसीसीबी भी कहते हैं, रेजिस्टर ग्रांट सर्किट ब्रेकर, इन दोनों का फंक्शन के लिए एक और भी ब्रेकर आता है, इसको कहते हैं आरसीबीओ, रेजिस्टर सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड ब्रांड, इसका मतलब ओवरलोड ब्रांड, ये दोनों काम करता है, यानी ये आपका आप मरीन प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन जो डिफरेंस है करंट का वही ये करता है, और ओवरलोड और शार्ट सर्किट, तो ये ब्रेकर ये सबसे महंगा होगा, तो आरसीबीओ भी आता है जो कि जिसमें दोनों की फंक्शनैलिटीज यानी तीनों फंक्शन शार्ट सर्किट ओवरलोड इसका और इसका जो है हमारा ह्यूमन सेफ्टी के हवाले से जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट का डिफरेंस है उसको भी या लीकेज करंट जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है ये दोनों जो है वो उसका फंक्शन होता है इसमें, ठीक है, काम करता रहेगा, इसलिए जो हमारे घरों में हम इसीलिए भी नहीं इलेक्ट्रिशियन लगाते कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं से लीकेज होती है, वो कहते हैं इसको लगाओ ही नहीं क्योंकि हर दो मिनट मतलब ट्रिप हुआ होगा, इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आपकी वायरिंग हर चीज़ क्वालिटी हो, क्वालिटी में फिर कॉस्ट लगती है, अगर तो कॉस्ट लगे और आपने बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ लगाई है पैसा लगाया खुला, अब आप जो है ना लीकेज अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आप कहेंगे नहीं मैं ये बनाऊँगा, अब ये ट्रिप भी नहीं करेंगे, वरना हमारे नॉर्मल घरों में तो ये वैसे ही ट्रिप होगा, ठीक, वैसी बारिश ही आती है तो कोई ना कोई ना मसला बना होता है कि पानी की टंकी से वो जो करंट में उतार इस तरह का करंट आता है तो हम तो हर वक्त वो ट्रिपिंग में लगे रहेंगे, ठीक है, तो वो मसला होगा, इसलिए लगाते नहीं है। अच्छा ये तो हो गया हमारा, ये अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ ली है, एमसीपी पढ़ लिया है, फिर बस पार थी, बस पार फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी लाइव वायर आ रही है, ये लाइव वायर जो यहाँ से आती है, अगर तीन लाइव वायर हो उसके लिए बस पार इस तरह ये जो बनाई है पॉइंट न्यूट्रल लिंक का इस तरह का बस बार्स का हम तीन पॉइंट्स बनाते हैं, तीन बार्स बना देते हैं, उस बार्स का जो डायमेंशन है वो भी हम उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, फॉर एग्जाम्पल करंट उसका अगर 160 एम्पीयर 200 या 300 एम्पीयर है तो ये 20x10 mm उसका साइज होगा, और इसी तरह जो है ये 20 mm कितना बनता है, 2 cm 2 cm हाँ 2 cm 2 cm कितना बनेगा स्केल में इंच 2 cm 12 inch 30 cm हो गया ना, यस सर, तो तकरीबन 1 inch जो है वो 1 inch कितना होता है 2.5 cm हो गया, सही, तो ये इसकी थिकनेस और इसकी जो वो वेट है वो हम इसको उसका साइज रखते हैं, इसी तरह 400 पेयर है तो 30x10 है, 600 या 800 पेयर है तो ये एक और या 30x10 की दो लगा दे, और इसी तरह 1200 पेयर या 1600 पेयर है 60x10 की दो लगाए, ये बस बार हो गए, ठीक है, तो ये हमारी बस बार हो गई, इसी तरह जो है न्यूट्रल लिंक बता दिया है, अर्थ लिंक भी हो गया, लगता है इनक्लोजर पूरा उसका जो इनक्लोजर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लगनी है, अब इनक्लोजर का जो साइज है वो कैसे निकालते हैं, इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल एक मॉड्यूल है, एक स्विच प्लेट है, एक जो आपका स्विच बोर्ड के ऊपर एक स्विच लग सकता है, इसको कहते हैं 1 मॉड्यूल,
अच्छा अगर तीन स्विच लग जाए इसको तीन मल्टीपल कहते हैं। अच्छा इस तीन स्विचेस को, तीन स्विचेस की जगह अगर आप एक स्विच और एक सॉकेट लगाए, सॉकेट जो है नॉर्मली दो मॉड्यूल दो स्विचेस की जगह कवर करती है। अगर एक स्विच और दो एक सॉकेट लगी हो, सॉकेट आपने देख लेना साइज से पता चल जाता है कि ये दो स्विचेस की जगह कवर कर रहा है। एक स्विच और एक सॉकेट लगी हो तो ये थ्री मॉड्यूल ही होगा, लेकिन एक स्विच और एक सॉकेट के साथ तीन स्विचेस के साथ भी थ्री मॉड्यूल हो सकता है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल हो गए। अब ये मॉड्यूल्स हैं और इसी तरह आप देखें अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर है, आप देख लें कितना साइज है उसका, कितने मॉड्यूल्स वो कवर कर रहा है स्विचेस की जगह। जितना बड़ा साइज होगा तो ये फोर मॉड्यूल्स हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं आपकी। इस तरह इनका एक आइसोलेटर है, ये ब्रेकर होता है शुरू का, इसको कह रहे हैं जो शुरू वाला ब्रेकर है, एक आइसोलेटर के तौर पर काम करता है। ये आठ मॉड्यूल्स के बराबर बड़ा होगा। अगर कितनी रोज आपने लगानी है उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तीन रोज के ब्रेकर इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा कमरे हैं कि वो तीन रोज में कवर होते हैं ब्रेकर। तो रो की कैपेसिटी कितनी, 12 16 14 बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी और कहां से आपने वो खरीदा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद आपके अगर साइज इंक्लोजर का साइज जो अंदर वाला साइज आपको कितना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वो आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे, कितने स्विच हैं और ये इससे मैंने बता दिया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज कितनी रोज चाहिए, वो कितनी रोज का बना हुआ है, उससे आपका उसका साइज एस्टिमेट आ जाएगा कि इंक्लोजर का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर इंक्लोजर भी आ गया पूरा उसका। उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद ये बाकी चीज़ें हमने इसको पढ़ ली, ये तो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का, साइज भी हमने देख लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी हाउस है, घर है, पाँच मरले का हो तो वो 25x50 ही होता है नॉर्मली, ना सोसाइटीज में देखें तो 25x50 का होता है, या 30x45 का कुछ जगह पे होगा, 30x45 है, 1350 स्क्वायर फुट का बनता है, और अगर 25x50 हो तो 1250 तो ये पाँच पल्ले कम हो गए ना, साइज कम हो गए पाँच पल्ले, तो पहले ये बड़ा होता था, कितना होता था पहले, अब 1250 स्क्वायर फुट का पाँच पल्ले का कर लेंगे तो प्लॉट तो 1250 स्क्वायर फुट का होगा, 1250 फुट इधर 1250 फुट इधर, इस तरह ऐसी है। यहाँ 25x50 का मतलब है 25 फुट अगर उसकी चौड़ाई है, 50 फुट उसकी लंबाई होगी, या 30x है तो 30 उसकी एक चौड़ाई होगी एक लंबाई होगी, चेंज होगी। तो ये 1350 स्क्वायर फुट का अगर घर है आपका, तो उसमें आप ये इलेक्ट्रिशियंस को वायरिंग जो है ना आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर जब करवाते हैं आप उसके भी ऑप्शन है, वो कहते हैं हम स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेंगे, मिसाल तौर पर 20 रुपए लेते हैं स्क्वायर फुट, तो जितना घर होगा 1350 स्क्वायर फुट का है तो 20 रुपए आपकी डन होगी उनसे। आपने कहा केबल वगैरह मैं लेके दूंगा, वायर सारी सिलेक्शन सारी मैं बाजार से लेके, वो 3 रत्ती है इस तरह 3 7 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
कहते 20 रुपए स्क्वायर फुट है, तो 1350 स्क्वायर फुट है मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 27000 रुपए आप दे रहे हैं। 20 कोई 30 रुपए लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसमें अगर आपने केबल खुद लेके वायर खुद ला के दी है, इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो वायरिंग करनी है। इसमें सारा कुछ शामिल होता है, पंखों के सारे पॉइंट, पंखे लगाने, लाइटें सारी, और सारे पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन अगर आप कहें कि भाई नहीं मैं तो केबल भी आप ले, सारा कुछ आप ले, आप खुद करेंगे, फिर वो इसको 80 रुपये कर देंगे या 100 रुपये या 80 रुपये स्क्वेयर फुट के हिसाब से लेंगे, उसमें वो केबल भी खुद लाएंगे। यहाँ वो फिर मार्जिन उनके पास बच जाएगा, वो मटेरियल कौन सा लगाते हैं। एक बेहतर है कि केबल शेबल हर चीज़ वायर आप खुद दें ला के, और मटेरियल आप खुद ला के दें, और फिर उनके साथ डन करें ये वाली वायरिंग का, तो फिर वो केबल बेहतर हो। ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब इसके अंदर अब बाकी कुछ जो है ना, लाइटिंग के लिए केबल के साइज लास्ट टाइम भी बताए थे, अभी भी बता दिए, इसको देखें। और उसमें देखें कॉमन वायरस मिस्टेक्स के अंदर एक जंपर वायर है, मिसाल तो ये जंपर यहाँ जंपर लग सकता है, तो ये जंपर लगाए थे, जंपर से आपस में शॉर्ट कर लें, तो ये जंपर वायर कुछ जगह पर आप इसको चेक करें। फिर चेक एवरी टर्मिनल, कुछ टर्मिनल जो है आप एक दफ़ा जब वायरिंग हो जाए तो टर्मिनल्स को देखें कहीं लूज तो नहीं है। लूज होगा कोई एक टर्मिनल लूज होगा तो वो बाकी भी चीज़ों को डैमेज करेगा। फ्यूजेस प्रैक्टिस नहीं है स्विच बोर्ड के साथ फ्यूज लगाना, और यहाँ यूटिलिटी कंपनी नहीं लगाती और यहाँ हम नहीं लगाते, तो ये इस वक्त प्रॉब्लम है।
इसी तरह डीसी पॉजिटिव नेगेटिव है, खासकर अगर बैटरी लगाई है या कहीं डीसी पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव को केयरफुली लगाना है। ये इसी तरह ड्राइव है या लाइन न्यूट्रल है, लाइन न्यूट्रल का भी है, ज्यादातर में आपने वायरिंग की है, लाइव वायरिंग सारी बिछा दी है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखनी है आपने, ये पंखा है, खासकर जब वायरिंग कर रहे होते हैं तो वायरिंग के दौरान ये स्विच बोर्ड तो आखिर में लगाते हैं ना, तो ये वायर्स एक ये दो बल्ब की वायर सारी इकट्ठी इधर ही आ रही होगी, तो आपको तो अगर सारी का एक ही आपने कलर रखा हुआ है आपको कैसे पता चलेगा पंखे कौन से, क्योंकि पंखे के साथ डिमर लगाना है, तो आपने बल्ब के साथ बल्ब को इधर लगा दिया तो फिर बल्ब भी डिम हो जाएगा। आपने ये देखना है कि इसमें तो नॉर्मली हम जब वायरिंग करते हैं तो पंखे की वायर का साइज और उसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि उसमें नजर आ जाएगी ये पंखे की, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद कहाँ से बात, हाँ ये चलिए डीसी पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा, अब हमने लाइव वायरिंग जो है ना सारी कर दी, फॉर एग्जाम्पल देखें ये लाइव वायरिंग थी हमारी, लाइव वायर ये सारी लाइव वायर में हमने साथ की वायरिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, इस लाइव वायरिंग में करने के बाद आपने ये जो लाइव वायर है हमने यहाँ से कनेक्ट करने के बाद एनर्जी मीटर के न्यूट्रल के साथ दे दी, ये भी तो हो सकता है, इसका मतलब सारे स्विचेस से न्यूट्रल जा रही है, ये और डेंजरस हो गया, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का भी, और यहाँ जब वायरिंग सारी की आखिर में ये लाइव वायर हमने कंसीडर की है, ये सारी स्विचेस से सारी लाइव जाएगी, तो ये लाइव वायर आखिर में ये आ रही थी, तो आपने लाइव वायर इधर एमसीबी जो है फॉर एग्जांपल या इस पॉइंट से यहां से आपने फॉर एग्जांपल एनर्जी मीटर से लाइव इधर एमसीबी के पास ले आए और दूसरी न्यूट्रल इधर ले आए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आपने जब वायरिंग की तो ये लाइव यहाँ से आपने एमसीबी के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दी, उल्टा हो गया, तो लाइव जो लाइव आ रही थी यहाँ से उसके साथ आपने जो है वो न्यूट्रल लगा दी है, और जहाँ से जो न्यूट्रल आ रही थी उसके साथ आपने लाइव लगा दी, आप सारी न्यूट्रल जो वायर है वो सारी स्विचे से होकर जा रही होगी, काम तो आपका फिर भी चलेगा, न्यूट्रल कनेक्ट होगी तो फिर, लेकिन ये उल्टा हो गया, लाइव वायर जो है ना उसको कंट्रोल करना है हमने, ठीक है। तो न्यूट्रल जो है वो आपकी न्यूट्रल भी डेंजरस होती है, मतलब आप वैसे इसको जीरो वोल्ट कहते हैं, डेंजरस नहीं है, लेकिन यह कि आप न्यूट्रल भी कुछ जगह पर इस पर भी वोल्टेज होते हैं, जब अनबैलेंस से कुछ होते हैं वो, तो वहाँ ये भी डेंजरस है। अच्छा, ये तो आपने ये चीज़ें रखी, उसके बाद ड्राइंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राइंग इस तरह की बनाई है, ड्राइंग होती है जिसमें ब्रेकर और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वन लाइन डायग्राम, उस डायग्राम के आपने उसको केयरफुली देखना, कई दफ़ा हम उसमें से गलती करते हैं, जब उसको रियल टाइम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से वो एरर होता है, तो ड्राइंग से आपने ड्राइंग का जो मिस्टेक है वो हमने ध्यान में रखी, ठीक। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, ये अब हम एक प्रैक्टिकल जो है इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम वायरिंग करते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले देखें तो सबसे पहले एक चीज़ है कि आपकी कुछ चीज़ें जो आपने जेन में रखनी है, फेज और न्यूट्रल कंडक्टर जो है आपके उसका क्रॉस सेक्शन सेम रखना है, क्योंकि घर के अंदर वही आपका, और उसके बाद डीबी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, अगर 200 एम्पीयर से ज़्यादा है तो आपने इसके लिए अलहदा से, आपने देखा बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं 200 एम्पीयर से ज़्यादा, उनके लिए अलहदा से कमरा या अलहदा से उसको उसका पूरा सिस्टम लगाया होता है जहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का कंट्रोल जो है वो पीछे जो है जो पीसी होटल के साथ है वो है, वो जनरेटर रूम है जो कॉर्नर पे, तो उसके अंदर है ऑन ऑफ, वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ, क्योंकि वहाँ जब लोड सेटिंग होती है तो जनरेटर ऑन करते हैं वहाँ से, जनरेटर भी है जनरेटर। अच्छा, ये देखिए, इसके बाद डीबी है, बिलो 200 एम्पीयर है तो आप इसको इंस्टॉल करें किसी कप बोर्ड में या कहीं भी कर सकते हैं, जगह जगह आपको नजर आएगी, और इसी तरह जो है इसमें आपने डिस्टेंस ये देखें कि आपका जो आपकी कोई पानी है जहाँ साथ में किचन है या जहाँ पानी का वो है, ठीक है, या पानी की टैंक मोटर है जहाँ पानी का है, जहाँ मॉइस्चर आ सकता है या लीकेज का खतरा है, तो वहाँ से वहाँ ये इंस्टॉल नहीं करेंगे रिसीविंग बॉक्स, तो वो उससे दूर रखें, और ये देखें 2 मीटर का फासला भी रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ जगह 1.2 मीटर, तो यानी इतना आपने डिस्टेंस रखना है बाकी जो, और एक्सेसिबल भी हो, ये ना वो ऊपर लगा देगा आप अपना आदमी जाए, तो ये देखिए। अच्छा, ये तो हो गया ड्राइंग। अब ये जो मेथड्स मैंने बताए हैं वायरिंग के, तो मेथड्स में ये वाले वायरिंग के मेथड से बेस्ड ऑन दी लेंग आपने इसको बिछाना कैसे है इनकी जो है वो है। अब एक और भी तरीका है, 3 मेथड्स ऑफ वायरिंग के, जिसके अंदर ये कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बेस पे जो है ये वायरिंग एक जॉइंट बॉक्स है, यानी एक बॉक्स है जॉइंट, उस जॉइंट बॉक्स से आप एक तरफ भी लेके जा रहे हैं वायरिंग, दूसरे कमरे में लेके जा रहे हैं, तीसरे स्विच बोर्ड में लेके जा रहे हैं, एक जॉइंट बॉक्स बना रही है, तो ये जॉइंट बॉक्स बेस होगा। इसी तरह टी सिस्टम है, टी जिस तरह नॉर्मली वायरिंग यूज होता है वो स्विच बने हुए हैं, एक स्विच से और टी बन गई ना, ये इस तरह एक स्विच से इधर एक लाइट ऑन हो रही है, दूसरा स्विच इधर लगाया हुआ है, तो ये एक टी सिस्टम बन गया कि एक पॉइंट से आप मल्टीपल जो हो जा रही है, तो टी सिस्टम हो गया।
लूपिन सिस्टम भी होता है जो घर घरों में लूपिन सिस्टम यूज होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ से सप्लाई इधर सॉकेट में आई है, इधर से मैं दूसरे कमरे में ले लूँ, उधर से वहाँ जो पॉइंट मेरा बना उससे दूसरे कमरे में ले लूँ, तो ये लूपिंग होगी। लूपिंग नॉर्मली हम घरों में करते हैं, लेकिन ऑफिस में जो है वो लूपिंग हम नहीं करते। तो ऑफिस में कोशिश करते हैं कि वहाँ हमें कॉस्ट का भी इशू नहीं होता और फिर वहाँ लूपिंग से बचते हैं, वरना घर के अंदर ये चलता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब हमने प्रैक्टिकल तरीका देखना है हाउस वायरिंग का क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब छत बनाते हैं, उससे पहले नीचे वो कंक्रीट डालने से पहले क्या करते हैं, नहीं नीचे जो है छत से पहले वो लकड़ियाँ रखते हैं, तो नीचे शटरिंग कर, उसे शटरिंग कहेंगे ना, शटरिंग करते हैं। नीचे लकड़ियाँ रख के हमने उसके ऊपर जो है वो सारी लकड़ियाँ बिछा दी। अब लकड़ियाँ बिछा दी है, पहला काम करना लकड़ियाँ बिछाने के बाद उसके अंदर सरिया भी डाल दिया, अगर सरिया डालना है हमने सरिया भी डाल गया। अब सरिये के बाद हमने ये करना है कि इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाते हैं उसके ऊपर। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिकल पाइप बिछा देंगे और वो पाइप देखे, हाँ वो देखे वो पाइप के जो है जहाँ जहाँ बॉक्स होगा वो बॉक्स यहाँ इस पॉइंट पे रखा होगा इसके ऊपर, फिर वहाँ रखा होगा, जहाँ जहाँ पंखे लगा रहे हैं वो छत पे हमने वो लकड़ियों के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हमने वो बॉक्स भी रखा दिए, रख दिए। अब बॉक्स रख दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉक्स जो है उसके ऊपर कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं उस पॉइंट पे हमने कोई कलर येलो कलर है कोई चीज़ शीट सी रख दी नीचे शीट उसको उसका उसके ऊपर कलर कर दिया और बॉक्स के नीचे रख दी वो शीट, क्योंकि आखिर में जब कंक्रीट डाल के वो शटरिंग गिराएंगे तो वो जो कलर वाला था वो नीचे आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो कलरिंग कर देंगे और शीट सी और उसके ऊपर सैंड डाल देंगे, ताकि कंक्रीट ही अगर उसके ऊपर डाल गई तो फिर इधर से ये नीचे से आ गया, हमने इसको उतारना है ना, ये सुराग ग्रूस से निकाल लें, तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी सैंड डाल देंगे ताकि कंक्रीट उसके ऊपर ना आए। ये काम किया, उसके बाद आपने कंक्रीट से फिल कर दिया उसको। जब कंक्रीट से फिल हो गया नीचे आएंगे, नीचे आ गया हम फिर कहते हैं कि ये पॉइंट से हमें अंदाज़ा भी होता है, लेकिन उसके करीब जा गया हम जब उसको वो थोड़ा सा करेंगे तो आपको कलर भी नज़र आ जाएगा और उससे आप ये पॉइंट वो सैंड सारी निकल जाएगी और वो आपका पूरा प्रॉपर जो है वो पॉइंट बन जाएगा जहाँ से फैन आपने लटकाना है और पैसे करने। ये हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, फैन पॉइंट आपने कलर मार्किंग से उसके बाद आपने स्विच पॉइंट्स लगाने, स्विच कहाँ कहाँ लगाने, तो स्विच जहाँ जहाँ लगाने हैं सॉकेट्स वहाँ लगाना है, स्विच यहाँ लगाना है, जहाँ जहाँ स्विच लगाने हैं वहाँ हैमरिंग, लास्ट टाइम हमने जो ड्रिल मशीन है उसका हैमरिंग वाला ऑप्शन यूज़ किया था, तो आज आपने ड्रिल मशीन की भी ड्रिल करनी है, लास्ट टाइम की नहीं की, तो ड्रिल मशीन की कौन करेंगे, सब टाइम बहुत हो गया। अच्छा वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, छोड़ो। अच्छा, वो ड्रिल मशीन को हैमरिंग भी करते हैं, तो हैमरिंग भी कर गए तो ये फ्रेंच सी क्या करते हैं हम इसको इस तरह स्वास करते हैं दीवार पे, एक तरफ ग्राइंडर के साथ वहां पॉइंट लगा रहा है, नीचे स्विच ही है, तो इस तरह एक पॉइंट से अब लाइन निकाल के दूसरी पे और इसको काट देते हैं, हैमरिंग से काट देते हैं, मशीन से वो काट देते हैं, उससे हमने वो ट्रेंच सी बना ली जिसमें पाइप डालना है। ठीक है, वो निकालने के बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम स्विच पॉइंट में पाइप डाला, उसके बाद हमने इंसर्ट द स्प्रिंग वायर, इंसर्ट ये स्प्रिंग वायर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक वायर को पुल करने के लिए, तो ये पॉइंट है एक दूसरा वो है, वहाँ से वायर हमने इधर लानी है, तो वो स्प्रिंग वायर होती है उसको अंदर डालते हैं, उधर से वायर निकलेगी, वहाँ से केबल साथ टाइट करेंगे करके इधर से खींचेंगे, लेकिन इससे खींचने के दौरान भी हम ये गलती करते हैं कि जब खींच रहे होते हैं तो वहाँ से वो अंदर जाती है, वहाँ इंसुलेशन साफ लाके डैमेज हो रही थी, इससे एक बंदा वहाँ खड़ा हो वो उधर से अंदर कर रहा हो उसको और इधर से खींच रहा हो, उससे इंसुलेशन भी बच जाएगी। ठीक, ये जो है ये भी एहतियात आप जब वायरिंग करवा रहे हो तो ये देखें, कुछ लोग बस जान छुड़ाने के लिए बंदा ही आया है, तो उसने कहा चल मैं अकेले ही हूँ मैं तो काम करूँ, वो इधर खींच रहा है तो आप करवा दें या उधर देखें, तो वो डैमेज हो जाएगी, तो आखिर में वायर अच्छी भी क्वालिटी की थी तो डैमेज होगी, इंसुलेशन सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से तो वहाँ भी मसला बनेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, पुल करनी, उसके बाद आफ्टर प्लास्टरिंग ये उसके बाद हम ये इसके ऊपर डिस्टेम्पर और ये इसके ऊपर ये सारा कुछ वो कर लेते हैं, ये सारा फिर खूबसूरत नजर आ गई। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना, आपने फिनिशिंग करनी है, स्विचेस के ऊपर जो हमने स्विच बोर्ड लगाते हैं उसके ऊपर वो मॉड्यूल टाइप स्विच है उसके ऊपर फेंसिंग और उसको हमने फिट कर दिया, उसके बाद टीवी केबल्स है उसको भी इसी तरह वो करते हैं, उसके बाद हमने अर्थिंग की जो है अर्थिंग का मैंने बता दिया उसका तरीका, अर्थिंग की आप कर लें उसमें साल्ट और बोल्ड डाल के अपनी खुद भी अर्थिंग बना सकते हैं, और उसके बाद सम पंप है अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो अंडरग्राउंड आप पानी की टंकी होती है उसमें वाटर पंप है उसके कनेक्शन भी आप कर देंगे, इस तरीके से आप जो वो क्या करेंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन था कि व्हाट वायर इज फॉर व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट है, तो वो वायर जो है मैं उसको फैन का बता दिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें फैन की वायर जो है उसका कलर जो है फैन वायर कलर जो है डिफरेंट रखते हैं ताकि जो है वो शुरू से ही डिमर के साथ लगा दें। ठीक, तो ये हमारा जो है वो सेशन खत्म हो गया।
अब आप इसको होल्ड ही रखें, वहाँ आके मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दूंगा मॉड्यूल्स, फिर उसके बाद चले जाना ठीक है। उसके बाद ड्रिल करें, कुछ ड्रिल जो रह जाएगी वो आपने करनी है ठीक है, जितनी हो आ जाए।